जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगते छुरडू में दंपति के साथ हुई मारपीट मामले का विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कुल्लू पुलिस ने मारपीट मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं इस मारपीट मामले पर महिला कांग्रेस ने भी अपना विरोध व्यक्त किया है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रवक्ता प्रेमलता ठाकुर का कहना है कि हिमाचल एक शांतिप्रिय जगह है और यहाँ पर महिलाओं का सम्मान भी बड़े अदब के साथ किया जाता है, लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों ने मिलकर महिला यूम देवी के साथ मारपीट की है वह निंदनीय है। प्रेमलता ठाकुर का कहना है कि महिला व उसके पति को इतनी बुरी तरह से पीटा गया है कि उन्हें नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा महिला का ऑपरेशन किया गया है। इस तरह की घटना होना यह दर्शाता है कि भाजपा राज में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगर पुलिस के द्वारा पहले ही कार्यवाही की जाती तो इस घटना को रोका जा सकता था। प्रेमलता ठाकुर का कहना है कि कुल्लू पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही करते हुए मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करे ताकि जिला कुल्लू में शांति बनी रह सके। वहीं उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही पुलिस इस मामले में कार्यवाही नहीं करती है तो महिला कांग्रेस के द्वारा भी धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले कोर्ट परिसर के सामने लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद उस दंपति को छुरडू के पास यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर रात भी नहीं हुई थी पूरी तरह से, वहाँ पर 15-20 लोगों ने लगातार उनके ऊपर, सिर्फ 2 आदमी थे, वो प्रधान का इस पंचायत, उनकी वाइफ और उनकी वाइफ भी प्रधान है, उनके ऊपर 15-20 लोगों ने हमला किया और उनको इतनी बुरी तरह से मारा कि उनको मरा हुआ समझ के छोड़कर वो भाग गए। तो आज ये तो शुक्र है कि वो थोड़ी बहुत उनमें सांसें थी, कोई आया वहाँ पर वो उठा के उन्होंने हॉस्पिटल वगैरह ले आए, तो उनको इनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उनको एकदम से नेरचौक जो है यहाँ से भेजा गया और वहाँ जाकर उनका कल ऑपरेशन हुआ है। जो तस्वीरें मैंने वहाँ से देखी है उनकी हालत बहुत नाजुक है, भगवान उनको जो जल्दी स्वास्थ्य लाभ दे। परंतु ये जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। ये देवभूमि, कुल्लू देवभूमि है, पूरा हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। देवभूमि में ऐसी बहुत बड़ी दुर्घटना कहूंगी मैं इसको, बहुत ही जघन्य अपराध जो हुआ है, ये बहुत शर्मसार करने वाला है कुल्लू के लिए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।